कि कश्मीर के मामले पे कोई पेशरफ्त होगी हारून साहब? क्या पेशरफ्त हो सकती है जब आप सरेंडर पे सरेंडर करते जा रहे हैं, जब आप ये यानी कश्मीर को जू का तू छोड़ के और कश्मीरियों को बदल करके तजारती ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंसों में शरीक हो रहे हैं। सवाल ये है, हमेशा पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है, कुछ आप देते हैं कुछ आप लेते हैं। उन्होंने हमें क्या दिया, हम उनकी हर बात मान रहे हैं। अमित शाह इसका एक सैंपल, जो चीख चीख कर कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा कहते हैं, और चीखता तो वो है जिसके पल्ले कुछ नहीं होता। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जय हिंद दोस्तों, चलिए आज देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इंडिया के खिलाफ क्या चल रहा है। आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी महसूस बर्बाद हो चुकी है और पाकिस्तान को किसी भी देश से भीख नहीं मिल रहा है, और इसी की वजह से पाकिस्तान की नई सरकार इंडिया के साथ कश्मीर मुद्दा भुलाकर ट्रेड रिलेशनशिप फिर से यानी व्यापारिक संबंध स्टार्ट करना चाह रहा है, और ये बात कई पाकिस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर क्या रोना रो रहा है। क्या भारत इस तिजारत को अपनी कामयाबी गर्दान रहा है और पाकिस्तान की नाकामी कामयाबी क्या गर्दान रहा है? वो तो कह रहा है कि आप देखा तुमने तमाशा, अब तुम्हें सरेंडर करना पड़ा है। सरेंडर वो ना, सरेंडर का लफ्ज इस्तेमाल किया एनडी टीवी ने। सरेंडर करना पड़ा है, अब मजा आया तुम्हें? वो तो तमस्कर उड़ाया, जश्न मनाया जा रहा है इमरान खान के जाने पे और शरीफ खानदान की हमायत में प्रोग्राम हो रहे हैं। और मुझे याद है आपने बताया था जो पहली तकरीर इस गवर्नमेंट की, और पाकिस्तान का इस हद तक मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए अब इस पाकिस्तानी मीडिया को कौन समझाएगा कि हम इंडियन क्या तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? पूरे पाकिस्तान ही पूरी दुनिया के लिए एक मजाक बन के रह गया है। तुम पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम है कि तुम औकात से ज्यादा भोगते हो और हैसियत से ज्यादा भीख मांगते हो। खैर जो भी हो, इन पाकिस्तानियों को अपनी औकात अब भी कहां समझ में आता है। इसलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इट्स फाइट अगेंस्ट पाक मीडिया। मरियम मोहतरमा मरियम नवाज पे किसी को कितना इख्तलाफ हो, उनके बारे में नहायत बेहुदा एक तबसरा मैंने सुना, इतना बेहुदा जो बिल्कुल झूठ था, जो उनके से ऐसी बातें मंसूब की गई कि जो बिल्कुल उनमें नहीं पाई जाती, सिरे से ही मौजूद नहीं है, नहीं तो। है। तो पाकिस्तान तो अब बाकियों को तो छोड़ दें, शरीफ खानदान की खातिन का मजाक उड़ा रहे हैं, इससे बदतर क्या हो सकता है? तू झुका जब गैर के आ गए नतन तेरा मन, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो अपना बन, अपना तो बन अपना।